कुरैशी साहब बैठ कर कहते हैं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक को, वो बेशक भले पाकिस्तान इंडिया के किसी चैनल पे वो आए, इन मामलात पे हमारे से वन टू वन गुफ्तगू करें। मैंने नागपुर में कहा था और आज यहाँ उनके इलाके में कह रहा हूँ, जाकिर साहब बहुत गैर मुस्लिमों से आपने ग्रंथों पे मुनाजरा किया है, हिम्मत हो तो इस फकीर बरेली से मुनाजरा करके दिखा। कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक कोई दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है, यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं, यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं बराबर, सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। और मैं कहता हूँ कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेकर अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री रविशंकर है, उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूँ और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। अब एक चीज पेश करो मुझे कि हमारे किताबों में क्या लिखा है, तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। मैं अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है, ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना, मैं हक की बात कर रहा हूँ। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूँ मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर, यंग हूं मैं आपसे यंग हूं लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ ध्यान है, दिगर ममालिक में जाके बोलता हूँ, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं कि आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा भाई, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएगी, मैं जब जानता हूं।